विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक क्रिया का अध्ययन कराया जाएगा, जो कि वार्षिक परीक्षा में 2 अंक का है और टॉपिक है अपना क्रिया। क्रिया शब्द है जो क्रि धातु से मिलकर बना है। क्रिया शब्द क्रि धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ करना या होना होता है, जिसका अर्थ करना या होना होता है। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, क्रिया की यदि अपन परिभाषा या डेफिनेशन की बात करें, तो इसकी परिभाषा होगी जिन शब्दों के माध्यम से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। यदि क्या हुई परिभाषा, जिन शब्दों के माध्यम से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। अब 2 शब्द हो गए यहां, एक करना और एक होना। दोनों शब्दों में अंतर होता है कि करना क्या है और होना क्या है, करना क्या है और होना क्या है। तो जैसे हम बात करें, कोई कार्य करें जैसे मोहन विद्यालय जा रहा है, मोहन विद्यालय जा रहा है, तो यहां कार्य किया जा रहा है। यहां क्या किया जा रहा है, कार्य विद्यालय जाने का। तो जब कार्य किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां करना हो गया। क्या हो गया, करना हो गया कि मोहन विद्यालय जा रहा है। तो 2 शब्द क्रिया के अंदर 2 ही शब्द होते हैं, जो कैसे पहचाने जाते हैं। 2 शब्दों के पहचान के लिए क्या करेंगे, यदि कहीं कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, कार्य किया जा रहा है, वहां पे है करना और होना। अब होना से तात्पर्य क्या, जैसे मोहन कमरे में है। अब यह कार्य तो नहीं रहा, जब कार्य नहीं हो रहा है, जब मोहन हमारा करता है और वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो यहां क्या है, और है का अर्थ क्या है, होना। है का अर्थ क्या है, होना, कि जब कोई कार्य करे तो वो तो क्या हो गया, करना, और जब कोई कार्य ना हो तो वो क्या हो गया, है या होना। तो 2 शब्द होते हैं, करना और होना। तो एक बार फिर देखें अपन परिभाषा, कि जिन शब्दों के माध्यम से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। एक बार इसके बाद जो पूछा जाता है अपने यहां, तो नहीं 10th स्तर पे तो नहीं है, लेकिन यदि अपन अपने बड़े स्तर पे चले, बड़े स्तर से यानी कंपटीशन, तो उसमें एक शब्द पूछा जाता है और वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, संस्कृत से लिया गया शब्द है, और वो शब्द है धातु। इसके बाद अगली जो बात है अपनी क्रिया में समझने की, वो है धातु। यदि इसको अंग्रेजी में देखें तो इसको कहते हैं रूट, रूट यानी धातु। तो इसको समझना भी जरूरी है क्रिया के साथ साथ। तो धातु क्या है,
अगली जो अपनी डेफिनेशन मान लो या अगला अपना सवाल मान लो या अगली अपनी बात है वो है धातु क्या है। तो क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब हमको पता कैसे चले कि भाई कौन सी तो क्रिया है और कौन सा धातु है? तो एक उदाहरण देखो इसके लिए। उदाहरण कैसे, एग्जाम्पल देंगे हम। जैसे हमारे पास शब्द है पढ़ना। अब पढ़ना क्या है? ये पढ़ना जो शब्द है ये क्या है? क्रिया शब्द है। क्या है? क्रिया। ये तो हो गई क्रिया, क्योंकि क्रिया की पहचान का सबसे बड़ा एक ही तरीका है कि उसके अंत में ना लगा होता है, और जिस शब्द के अंत में ना लगा हो वो क्या माना जाता है? क्रियापद माना जाता है। कि जिसके अंत में ना लगा हो वो समझो क्या हो गई? क्रिया। जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, रोना, धोना, आना जाना, खाना पीना, सोना, कुछ भी जिसके अंत में क्या लग गया? ना। और ना लग गया वो क्या हो गई? क्रिया। लेकिन क्रिया में से जब हम धातु निकालेंगे तो क्या करेंगे? क्रिया में से जब हम धातु निकालेंगे तो स्थिति बन के आएगी, जैसे शब्द है ये पढ़ना ही, तो क्या हो जाएगा? पढ़ प्लस ना। इसमें से क्या अलग कर देंगे? हम ना को अलग कर देंगे। क्या कर देंगे? ना को अलग कर देंगे। तो ये जो पढ़ रह गया, पढ़ रह गया वो क्या रह गया? धातु रह गया। ये पढ़ क्या है? धातु। और जब इसमें ना जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? ये क्रिया शब्द या क्रिया पद। तो पढ़ प्लस ना, तो पढ़ इसमें क्या हो गया? धातु हो गया। पढ़ क्या हो गया? धातु। पढ़ हो गया धातु। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ प्लस ना या चढ़, चढ़ना जैसे कोई शब्द ले तो क्या हो जाएगा? चढ़ प्लस ना। तो मूल रूप, मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। अब बात आती है क्रिया के लिए। अगली जो बात है अपनी वो क्या है? क्रिया के भेद। देखो विद्यार्थियों कि क्रिया के जो भेद हैं इसमें एक अंतर है। कोई क्रिया के दो भेद बताता है, कोई तीन बताता है, लेकिन वास्तविक यदि हम आगे चल के बात करें तो क्रिया के मूलतः चार भेद होते हैं एक तरीके से, और चार भेद अपनी बुकों में है एक तरीके से दे रखा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हेल्प बुक आती है उनमें अलग अलग तरीके से दे रखा है। तो क्रिया के जो भेद है वो कितने हैं? चार। किस प्रकार से है वो चार भेद? क्रिया के चार भेद। तो पहला जो भेद है वो होता है वाक्य में स्थिति के आधार पर, वाक्य में स्थिति के आधार पर, वाक्य में स्थिति के आधार पर। दूसरा जो भेद है क्रिया का वो है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार
पर तीसरा जो भेद है वो है प्रयोग या रचना के आधार पर। प्रयोग मिल जाता है, कहीं रचना मिल जाता है। रचना के तीसरा जो भेद है वो क्या है, प्रयोग या रचना के आधार पर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th क्लास में एक बार प्रश्न सीधा पूछा गया, ना कोई उदाहरण दिया ना कुछ, और क्वेश्चन पूछा गया कि काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते। तो चौथा क्या है, काल के आधार पर, काल के आधार पर। तो चार प्रकार के भेद हो गए अपने। पहला भेद है वाक्य में स्थिति के आधार पर, दूसरा भेद हुआ कर्म के आधार पर, तीसरा भेद हुआ प्रयोग व रचना के आधार पर, चौथा भेद हुआ काल के आधार पर। तो वाक्य में स्थिति के आधार पर जो भेद होते हैं क्रिया के वो होते हैं दो, दो भेद होते हैं। और दो भेद कौन कौन से हैं, पहला जो भेद है इसका वो होता है समापिका, समापिका क्रिया, और दूसरा जो भेद है वो है असमापिका क्रिया, समापिका क्रिया, और दूसरा भेद है असमापिका क्रिया। ये दो भेद किसके आधार पर हुए, वाक्य में स्थिति के आधार पर, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पे दो भेद है, ज्यादातर परीक्षाओं में ये ही पूछे जाते हैं दो भेद, और वो है पहला है अकर्मक और दूसरा भेद है सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक यदि अपन और इसका स्तर बढ़ा दें थोड़ा, यदि अपन थोड़ा इन क्रियाओं का स्तर बढ़ा दें तो इनके भी भेद हैं, और इनके भेद क्या है वो देखें। अकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं और इधर सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। तो अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक के दो भेद और सकर्मक के तीन भेद थे। अकर्मक के दो भेद कौन कौन से हैं, पूर्ण अकर्मक, पूर्ण अकर्मक, और एक होता है अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक ये दो भेद हो गए अकर्मक के, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। ऐसे ही सकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं, पूर्ण एकर्मक, पूर्ण एकर्मक, सकर्मक, पूर्ण एकर्मक, सकर्मक। दूसरा है पूर्ण द्विकर्मक, द्विकर्मक, पूर्ण द्विकर्मक सकर्मक, पूर्ण द्विकर्मक सकर्मक। और तीसरा जो भेद है इसका वो है अपूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक। दो भेद कर्म के आधार पे, अकर्मक और सकर्मक, पूर्ण कर्मक, अपूर्ण कर्मक। सकर्मक के तीन भेद, पूर्ण एकर्मक, पूर्ण द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। अब है प्रयोग रचना के आधार पर, प्रयोग में रचना के आधार पर स्थिति कुछ समस्त भाषा विद्वान हिंदी से जुड़े हुए एकजुटता नहीं है, इस कारण किसी ने चार, किसी ने पांच, किसी ने सात भेद दे रखे हैं। लेकिन जितने भी अब भेद हैं वो मैं सारे आपके सामने बता रहा हूं कि प्रयोग में रचना के आधार पर कितने भेद हैं। तो प्रयोग में रचना के आधार पर अपने भेद देखेंगे तो सबसे पहले है सामान्य क्रिया,
सामान्य क्रिया को, दूसरा है संयुक्त क्रिया को, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया को, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा भेद है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, छठा भेद मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया, और कहीं कहीं एक भेद और मिलता है और वो भेद है आज्ञार्थक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया। तो सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु, मुख्य, सहायक, सजातीय और आज्ञार्थक क्रिया। काल के आधार पे, काल के आधार पे जो आपकी क्रियाएं हैं वो है तीन प्रकार की। पहली है भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। दूसरी है वर्तमानकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया। और तीसरी है भविष्यकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया, ये किसके आधार पर हो गई? काल के आधार पर। तो हम यदि क्रिया के भेद पढ़ेंगे तो कौन कौन से भेद पढ़ेंगे? पहला है वाक्य में स्थिति के आधार पर, दूसरा कर्म के आधार पे, तीसरा प्रयोग रचना के आधार पर और चौथा काल के आधार पर। अब सबसे पहला अपना भेद है वाक्य में स्थिति के आधार पर। पहला जो भेद है वो क्या है? वाक्य में स्थिति के आधार पर, वाक्य में स्थिति के आधार पर, वाक्य में स्थिति के आधार पर, वाक्य में स्थिति के आधार पर जो क्रियाएं हैं अपनी, पहली कौन सी है? समापिका क्रिया, समापिका क्रिया, समापिका क्रिया, समापिका क्रिया जो अपनी है, कोई ज्यादा कठिन वाली बात नहीं है इसमें, बहुत साधारण एक सिंपल सी बात है कि समापिका में एक शब्द आ रहा है समाप्त, समापिका में एक शब्द क्या आ रहा है? समाप्त आ रहा है, समाप्त। तो समाप्त से क्या तात्पर्य है यहां? यदि इसकी परिभाषा की बात करें पहले, समाप्त शब्द को जानेंगे लेकिन पहले इसकी एक परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होगी ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जो वाक्य के अंत में, ऐसी क्रिया जो
वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती हो, अंत में प्रयुक्त होती हो। ऐसी क्रिया जो वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती हो, प्रयुक्त से तात्पर्य है कि वाक्य के अंत में आती हो, कि ऐसी क्रिया जो वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती हो यानी अंत में आती हो, उसे हम क्या कहेंगे? समापिका क्रिया कहेंगे। कि ऐसी क्रिया जो वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती हो उसे समापिका, उसे समापिका क्रिया कहते हैं, उसे समापिका क्रिया कहते हैं। वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती हो उसे समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखें अपन, जैसे उदाहरण राधा टीवी देखती है, राधा टीवी देखती है, देखती है, देखती है। तो जो क्रिया है वो क्या है? देखना। क्रिया क्या है? देखना। क्रिया कार्य अंत में, क्रिया कार्य अंत में आ रही है। तो ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जो वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती हो उसे क्या कहते हैं? समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे राधा टीवी देखती है, तो देखती है यानी क्रिया क्या है? देखना। कहां पे आ रही है? अंत में। और अंत में आ रही है तो समापिका क्रिया होगी। अगला उदाहरण देखें एक और, मोहन विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालय जाता है, तो क्रिया क्या है यहां? क्रिया क्या है? जाना। क्रिया क्या है? जाना। और कहां पे है वो? वाक्य के अंत में। क्रिया कहां है? वाक्य के अंत में है, और अंत में है इसलिए कौन सी क्रिया है? समापिका क्रिया। तो ये समापिका क्रिया है हमारी, कि ऐसी क्रिया जो वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती हो उसे समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे राधा टीवी देखती है, वाक्य के अंत में आ रही है, अंत में आ रही है तो समापिका। मोहन विद्यालय जाता है, क्रिया क्या है? जाना। जाना है, कहां पे आ रहा है? अंत में। और अंत में आ रहा है तो समापिका क्रिया। अगली अपनी जो क्रिया है वो है असमापिका। अगली अपनी क्रिया है असमापिका। असमापिका शब्द में देखें पहले क्या था? समापिका। अब क्या लग रहा है? ए। क्या लग रहा है? ए। तो देखो इस, ये जो ए है क्या है यहां? ये ए एक उपसर्ग है। ए क्या है? उपसर्ग। ए क्या है? एक उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। और ए उपसर्ग हमेशा, उपसर्ग के अर्थ निकलते हैं, तो उपसर्ग हमेशा किसका अर्थ देता है? ना का या नहीं का या निषेध का।
या मना का। तो यहां ए लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ए, यानी दो शब्द से मिलकर बन गए ये। ए समाप्ति का कितने शब्दों से मिलकर बन गए? दो शब्दों से मिलकर बन गए, ए प्लस समापिका, ए प्लस समापिका, एक ए और ए समापिका। तो ए किसका अर्थ देता है? ना का, नहीं का, निषेध का, मना का। तो देखो अब वो तो समापिका थी, वो तो क्या थी? समापिका। और ये क्या है? ए समापिका। तो देखो पहले यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या है इसकी? पहले परिभाषा देखें, यदि इसकी डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें, तो परिभाषा क्या कहती है इसकी? परिभाषा कहती है कि ऐसी क्रिया जो ऐसी क्रिया जो वाक्य में विधेय में होकर, वाक्य में विधेय में न होकर ऐसी क्रिया जो वाक्य में विधेय में होकर अन्य स्थान पर प्रयुक्त होती हो, अन्य स्थान पर प्रयुक्त होती हो, अन्य स्थान पर प्रयुक्त होती हो, उसे क्या कहेंगे अपन? असमापिका क्रिया कहेंगे। कि ऐसी क्रिया जो वाक्य में विधेय में होकर अन्य स्थान पर प्रयुक्त होती हो उसे क्या कहेंगे? असमापिका क्रिया कहेंगे। अब तो एक शब्द आ रहा है इसमें और शब्द है विधेय। विधेय क्या होता है? विधेय क्या होता है वो देखेंगे आप। विधेय होता है, दो चीज होती है वाक्य के, दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। वाक्य जब हम पढ़े तो दो उसके अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य तो करता है कर्ता का काम और विधेय करता है क्रिया का काम। तो लिख रही हम विधेय है क्या? कि विधेय में होकर, सीधी सी बात यह है इस क्रिया की दूसरी अब अपन सीधी पहचान की बात करें। अब आप यहां विधेय से ना समझें कि विधेय क्या, विधेय है क्या? दो होते वाक्य के, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य कर्ता का कार्य करता है और बाकी का जो वाक्य बचता है वो किसका कार्य करता है? विधेय का कार्य करता है। तो यहां क्या होता है कि ऐसी क्रिया जो वाक्य में विधेय में होकर अन्य स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी कहने का अर्थ है दूसरी एक आपको मैं स्थिति बता दूं कि असमापिका जो क्रिया है वो वाक्य के शुरू में और अंत में दो जगह आएगी। यदि इसकी पहचान की बात करें अपन, पहचान की बात करें तो पहचान में कैसे होगी कि ऐसी जो क्रिया है ये जो असमापिका क्रिया है, जो पहचान में क्या हो जाएगी कि शुरू में और अंत में, शुरू में और अंत में आती है, यानी दो जगह क्रिया आएगी, शुरू में और अंत में आती है, यानी ऐसी क्रिया जो वाक्य में विधेय में होकर अन्य स्थान पर प्रयुक्त होती है। तो अब इसकी पहचान की बात है, मेरी तो पहचान क्या है कि इसमें एक क्रिया तो कहां आएगी? शुरू में। और एक क्रिया कहां आएगी? अंत में आएगी। एक क्रिया शुरू में और एक क्रिया अंत में। एक उदाहरण देखते हैं, पहले उदाहरण से समझ आ जाएगा कि उदाहरण क्या कहता है। कि खिलता हुआ कमल अच्छा लगता है, खिलता हुआ कमल अच्छा लगता है, खिलता हुआ कमल अच्छा लगता है, खिलता हुआ कमल।
अंत में। तो शुरू में आ रही है खिलना, शुरू में क्या है खिलना, ये क्रिया हो गई। और एक है लगना, क्रिया हो गई।